आजादी के 70 दशक बीत जाने के बाद भी हिमाचल के हमीरपुर जिला में एक ऐसा गांव है जहां पर जिंदगी नरक के समान है। रोजाना हमीरपुर जिला के अघार पंचायत के पास लोगों को उफनती कुन्हा खड्ड को पार करके ही आना जाना पड़ता है और जान जोखिम में डालकर ही पानी के बीचों बीच उतरकर आवाजाही करनी पड़ती है। कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन कुन्हा खड्ड पर प्रस्तावित पुल के लिए बजट नहीं मिल पाने से आज तक यहां पर पुल का निर्माण नहीं हो पाया। आजादी के 70 साल बीत जाने के बावजूद भी नहीं बन पाया अघार पंचायत के लुंडरी के पास कुन्हा खड्ड पर पुल न होने के चलते स्कूल के बच्चे भी कुन्हा खड्ड को पार कर तालब महल स्कूल में शिक्षक ग्रहण करने चाहते हैं। लोगों का कहना है कि 70 सालों में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें आई पर कुन्हा खड्ड पर पुल नहीं बन सका। वहीं बारिश होते ही कुन्हा खड्ड का जलस्तर काफी बढ़ जाता है और इस खड्ड को पार करते समय अगर स्कूल के बच्चे इस खड्ड में बह गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हैरानी वाली बात है कि ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय विधायकों से भी पुल बनवाने की गुहार लगाई, लेकिन आज दिन तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, जिस कारण ग्रामीणों का जीवन नर्क बना हुआ है। नन्हे बच्चों ने बताया कि रोज स्कूल जाने के लिए खड्ड पार करनी पड़ती है और हर वक्त मन में डर लगा रहता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हर बार केवल मात्र आश्वासन ही मिलते हैं और लोगों की समस्या का हल नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके इस नदी को पार करके आप प्रशासन के क्या मांग चाहेंगी कि यहाँ पे पुल बने? बनना चाहिए जरूर बनना चाहिए। यहाँ पे कितनी परेशानी आपको होती है डेली? हर वर्ष यही खड्ड क्रॉस करने के लिए परेशानी करना पड़ती है। हाँ जी। और कल को किसी बच्चे की कोई जान भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हर वर्ष यही काम होता है। कई बार प्रशासन को हमने याद भी दिलाया और काम भी बताया पे यहाँ पे पुल डालना चाहिए, बिल्कुल, मगर अभी तक कोई भी प्रशासन ने नहीं डाला है। यहाँ पे आती है और चली जाती है, बातें करते हैं और चले जाते हैं। हर विधायक का यही काम है जी। कई बार उन्होंने पैसे भी लॉसमेंट किए, हम इतने लाख का पुल बना देंगे, फलाना फुट ब्रिज बना देंगे, कुछ नहीं बनाया जी।